शक्ति की आराधना के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में मां दुर्गा की स्तुति के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हर कोई पूरे भक्तिभाव से माता रानी की स्तुति कर रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और इसी के साथ नवरात्रि के पहले दिन से ही माता के भक्त घरों में कलश स्थापित करते हैं। आरती उतारो तेरी शैलपुत्री माता। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। हर कोई मां भगवती की अनुकंपा पाने के लिए माता की आराधना करने में लग गया है। आज शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के 9 रूपों में से पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना होती है। शैलपुत्री मां नव दुर्गों की प्रथम माता है। माता दुर्गा पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। उस दिन की उपासना में योगी अपने मन को चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ भी होता है। वृषभ सवार शैलपुत्री माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शैलपुत्री माँ पार्वती का ही अवतार है। दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने के बाद सती योगाग्नि में भस्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पर्वत की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को मूलाधार चक्र जागृत होने से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हासिल होती हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें पार्वती और हिमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की आराधना से साधक को मनोवांछित फल मिलता है। नवरात्रि में दुर्गा को मातृशक्ति करुणा की देवी मानकर पूजा करते हैं, इसलिए इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवताओं और ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजमान हेतु प्रार्थना और उनका आवाहन किया जाता है। पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप में भगवती की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रथम तुम्हें पूज के मनाऊं नव।